हजार की बचत हुई पूरे सामान में। अर्णव के पापा इतना सारा सामान लेके आए, देखिए क्या क्या लेके। ये जो लैक्मी का मॉइस्चराइजर है मार्केट में तो 250 रुपए का है, और वैसे हमें पड़ा है ये पुराना सामान इतना ही बचा था हमारे पास। इतना मोटा और इतना बड़ा लहसुन। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला, मैं भावना स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनु व्लॉग्स पे। तो दोस्तों अभी मैं अपने व्लॉग की स्टार्टिंग 10:30 बजे से कर रही हूं मॉर्निंग में, और धूप काफ़ी अच्छी आई है। तो आज हम लोग मम्मी और मैं लगा रहे हैं मेहंदी सर में, क्योंकि बाल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और मम्मी के पूरे सफ़ेद हो गए हैं बाल अंदर से, और मेरे भी बाल बहुत खराब हो गए हैं। तो आज मेहंदी लगाने का हमने सोचा, तो आज लगा रहे हैं मेहंदी। कल रात मैंने भिगा दी थी, तो अभी लगाते हैं हम लोग मेहंदी, और आगे जो भी होगा आज के दिन में मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगी। बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ कंटिन्यू। तो दोस्तों फाइनली अब मैं लगाने जा रही हूँ मम्मी के मेहंदी, और मम्मी एकदम रेडी हो रखी है। देखो मैंने सोचा मम्मी पहले मेरे लगाएगी, हाँ, और पहले मम्मी बैठ गई और मम्मी ने बाल भी धो के सुखा भी दिए इतनी जल्दी। बाल भी तो पूरे सफेद हो गए, पता नहीं कैसे मम्मी के सारे बाल सफेद हो गए पूरे अंदर तक। हेलो गाइस, देखो मेरे पास बहुत बड़ी साइकिल है, और दीदी अगर तुम दीदी को करके धरा दूँ, और दीदी और मेरी बहनों भी आने वाली है, और क्या कर लो गाइस, और देखो कुछ और भी है, मेरे ये भी है, देखो ये भी, देखो ये देखो मैंने ये भी लगाया है। दूर से दिखेगा, पास से नहीं दिखेगा, दूर से दिखेगा। ये देखो दिख तो रहा है, सेम टू सेम। हेलो गाइस, देखो मेरे पास बहुत बड़ी साइकिल है, दिखो तो। दोस्तों फाइनली मैंने मम्मी की मेहंदी लगा दी है, और बहुत मतलब मम्मी के बाल इतने खराब हो रहे थे, पूरे व्हाइट हो गए थे अंदर से, काफी टाइम से मेहंदी लगाई नहीं थी। और बंदर इतने सारे आए थे, ये देखिए डंडा साथ में लेके बैठे हैं हम, इतना बड़ा डंडा लेके बैठे हैं साथ में। बंदर इतना परेशान कर रहे हैं, बहुत ही परेशान कर रहे हैं बंदर। तो देखिए मम्मी कितने अच्छे से मेहंदी लगा रही है मेरे सर में। मुझे भी दिखाओ, ये देखिए कितने अच्छे से मेहंदी लगा रही है। तो दोस्तों फाइनली मम्मी ने मेरी मेहंदी लगा दी अच्छे से, और ये देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे से लगाई है। आज खाना तो कुछ देर बाद बनाएंगे, क्योंकि आज है हबीब, कल है श्राद्ध पापा का हमारे, तो मम्मी बनाएगी आज खाना शाम के समय, 4 बजे के टाइम पर होगा खाना। मैंने पन्नी डाल रखी है, क्योंकि ना मेहंदी सूख जाती है तो फिर कलर अच्छा कलर नहीं देती है, तो पन्नी डाल रखी है मैंने। और अभी बज रहे हैं दिन के कितने बज गए, 2 बज गए शायद ना, 2 बज चुके हैं, और खाना तो अभी बनाना नहीं है, मैंने आप लोगों को बताया था। अर्णव के पापा अभी अभी आ रहे हैं अल्मोड़ा से, तो ये देखिए घर का कुछ सामान लेके आए हैं। 4000 की बचत हुई पूरे सामान में हमारी कम से कम, और अर्णव के पापा अभी जस्ट अभी पहुंच ही रहे हैं। अर्णव के पापा इतना सारा सामान लेके आए हैं, देखिए क्या क्या लेके आए, और बहुत ज्यादा मतलब रेट आप लोग को मैं एक दो चीजों के रेट बताती हूँ। ये है पॉन्स का फेस वॉश, और इसका रेट है मार्केट में 175, और ये पड़ी है वहां कैंटीन में पड़ी है, कितने की पड़ी है, 110 रुपए की पड़ी है ये, 175 है मार्केट में इसका रेट। और बाकी ये जो लैक्मी का मॉइस्चराइजर है मार्केट में तो 250 रुपए का है, और वैसे हमें पड़ा है 135 रुपए का। तो सोचो आप लोग सोच सकते हो कि कितना मतलब हमें फायदा हुआ कैंटीन से सामान लाने का, और ये सब कुछ हुआ देवर जी की बदौलत। और पहले तो हमें सारा सामान वही लेके आते थे, तो लेकिन काफी दूर हो गया ना राजस्थान, वहां से लाना पॉसिबल नहीं है। बाकी सामान वामान मम्मी ने साबुन आबुन सारे इसमें रख दिए, साबुन वगैरह जितना सामान मिला था सारा ले आए, और गुलाब जामुन के पैकेट भी लेके आए अर्णव के पापा। जो दंत क्रांति है ना, ये कैंटीन में छोटा पैकेट मिला है, इसका बड़ा पैकेट नहीं था, इसलिए ये पूरा वही लेके आए हैं। डियो वगैरह भी, ये लोशन वगैरह, और ये पॉन्स की कोल्ड क्रीम, ये तो मेरे देवर जी काफी यूज करते हैं। इनो वगैरह भी लेके आए हैं, क्योंकि ना एसिड की बहुत ज्यादा दिक्कत है हम लोगों को घर में सभी को, तो आज इतना सारा सामान लेके आए हैं। और मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि पंकज की बदौलत इतना सारा सामान इतने सस्ते में मिल गया है ना। मम्मी खुश हो ना आप भी बहुत,
और पहले तो पंकज सार मतलब इससे दुगना सामान लेके आते थे वो घर में, लेकिन यहाँ की कैंटीन में इतना ज्यादा सामान मिला नहीं, जितना भी मिला है तो लेके आए। जो तेल है वो 138 रुपए का और वैसे पड़ा है हमको 87 रुपए का, इतना फायदा हुआ। मुझे पापा के एक पैकेट मिला है यार, क्योंकि ना पैसे बचते हैं तो खुशी होती है। ये देखिए सर्फ का पैकेट, सर्फ तो हमारे वहाँ बहुत लगता है और सर्फ के लिए गाली भी बहुत सुनते हैं हम। ये पुराना सामान इतना ही बचा था हमारे पास, बाकी ये पैकेट तो यहीं से लिए थे, मार्केट से ही लिए थे। ये सारा सामान देखिए, शैम्पू मैं सोची थी नहीं है, शैम्पू है तो दो अभी। ये कौन सा डब डब का शैम्पू है, ये दो है, बहुत है। दो ही तो है। सारा सामान मम्मी अच्छे से सेट करती है ना, मेरे से नहीं हो पाता है इसलिए मम्मी कर रही है। ये लो फिर से सब रखेंगे, बर्तन वाले वाला एक भी हमारे पास नहीं बचा था पता है, एक भी नहीं, लास्ट था वो निकाल दिया था। इसी की जरूरत होती है, जरूरत तो सभी चीज की होती है सबसे ज्यादा, ऐसा लगता है। इसको देखो तो लग रहा है इसकी ज्यादा जरूरत है, उसको देखो तो। पहली बार आज अर्नव के पापा सारा सामान यूज वाला ही लेके आया, नहीं तो हर बार डांट खाते हो आप। दोस्तों अभी आई हूँ मैं रूम में और सारा सामान सेट कर दिया है अच्छे से। अरे मैं नहीं। तो दोस्तों अर्नव के पापा एक लहसुन लेके आए हैं, मतलब मैंने फर्स्ट पहली बार देखा इतना बड़ा लहसुन, और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो अभी बोल रहे हैं वो लगाने के लिए, और अभी जा रहे हैं हम लोग खेत में। इतना बड़ा लहसुन है, दिखाती हूँ अभी आप लोगों को। ये देखिए गाइस इतना मोटा और इतना बड़ा लहसुन। ये देखिए इतना बड़ा लहसुन देखा होगा आप लोगों ने, मैंने तो आज पहली बार देखा है। ये देखिए पता नहीं कहाँ से बीज लेके आए हैं और लगाने के लिए बोल रहे हैं। अभी इतनी धूप में दोपहर के बज रहे हैं 3:30 और अभी खेत में लेके आए हैं अभी। तो दोस्तों देखिए आप लोग, मैंने सर धो लिया है और कलर काफी अच्छा चढ़ा है, खाना भी रेडी कर दिया है। खाने में बना रखा है मम्मी ने चावल दाल रोटी सब्जी कद्दू की और रायता। तो अब खाते हैं हम लोग खाना। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये आज का ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब जल्द ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय बाय।